हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए, ये तो अगर कोई रोक रिश्वत रहा है अपने हक के लिए, कैमरा क्या हो गया? क्या क्या हो गया? What's happened? क्या हुआ है? सोए सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे क्या? कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे तार साहब, मारू सत्तार साहब, सतार साहब। माशाल्लाह, आप यकीन करें मैंने जिंदगी में अगर किसी को आइडल माना है, आप यकीन करें यू आर वन ऑफ देम। शाहरुख खान को नहीं, या तो शाहरुख खान ज्यादा है, या जाम में यूट्यूबर। मेरे तीन आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, जी मानता हूँ। आप मानते कि सारे सलाह खुदा है? ओ ये क्लीन। डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मौका ही नहीं मिलेगा, सब तो सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह कलमा पढ़ेंगे? जी ला कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल। तो ये भी हो सकता है ना, क्या जन्म में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्म में पहला जाइए? आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? तो ख्वाजा सरा, छक्का। ख्वाजा सरा, सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना, छक्का, क्रिकेट का छक्का नहीं। ख्वाज अंबरी उधार बड़े बदे देख 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 क्या सब बन रहा है। सुनो सुनो कुछ कर जुगा काका, वो पता लगा आपस की बात है, हम दोनों की स्पीड एक ही है। दोनों की स्पीड शहर के पानी का असर है हमारे। तेज बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी सब कर जाते हैं, खाना भी जल्दी जल्दी खा जाते हैं। कुछ चीजों में टाइम लेता हूँ। अच्छा इस पर लिखा हुआ था रूम में भी बाबर आता है, आउट हो गया। दिल्ली सा भाई साहब, आपने इनका एक्सीडेंट होते हुए देखा है? यही तो बता, मफलर लगाते थे मोदी के। अभी बहुत खूबसूरत सी सुबह है और जंक्शन है, यहाँ स्टॉल वगैरह है, लोग अपनी चाय चाय पी रहे हैं, यहाँ वेट कर रहे हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। आज मैं बहुत सैड हूँ यार, कुछ सैड सॉन्ग सुना? सैड
लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े मारा थोड़ा। अच्छा एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। वो लिखा इस तरह से हुआ है गाना कि हूँ प्यार तेरा, हूँ प्यार तेरा महसूस कर तो। आपने आप कितनी स्टडी है, अभी क्या क्वालिफिकेशन? मैं बीएस जर्नलिज्म। वो दूर तक गई, क्या किया है बीएस जर्नलिज्म करके? और आगे भी पढ़ रही। क्या किया है इतना पढ़ के? आज जहाँ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर रही। तो ये तो रोड पे खड़ी है आप। Gets his man, that's what they were after. Front bat should have been more towards the leg side and should have been pelted away easily. But saying that, World Tour mein kahan jana chahenge aap? वर्ल्ड टूर में तो पूरा वर्ल्ड आता है ना? नहीं पूरा वर्ल्ड नहीं आता। मैं टर्की जाना चाहती हूँ, मालदीव जाना चाहती हूँ और यूरोप सारा। यूरोप सारा? कौन कौन सी कंट्रीज है यूरोप में? अमेरिका अमेरिका यूरोप में ठीक है। उसके अलावा और मुल्क बताएं मुझे। मैं हर जगह मतलब मलेशिया। मलेशिया ये टकराया सीधा जहाँ पे इसका फ्रंट टायर गिरा और वहाँ पे उसके जस्ट पीछे का जो एक्सल होता है वहाँ पे टूट के अलग है। ठीक है अब ये आया होगा यहाँ से स्पीड में घिसता हुआ, ये ऑलमोस्ट आगे तक गया है। जितना भी नीचे आप देख रहे हो डीजल सब फैला हुआ है रोड पे। आप एक्सल देखो किस तरीके से टूट के, ये लास्ट वाला तो अलग है। यहाँ पे जस्ट उसके आगे वाला पूरा ट्विस्ट होके घूम चुका है। यहाँ पर आप अंडर बॉडी देखो क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। सोच के देखो ये इम्पैक्ट कितना जोर से होगा और फ्यूल टैंक पूरा फट के यहाँ पे हो गया। बस मतलब आग लग सकती थी कभी भी। और कैबिन देखो कितना इंटैक्ट है, मतलब वो नीचे की तरफ ट्विस्ट भी हो सकता था बिकॉज इसमें काफी लोड था, रेती ले जा रहे थे। और ये टाटा का ट्रक है। अब आप ड्राइवर की कंडीशन देखो यहाँ पे भाई, ये इतना चिल है। ड्राइवर भैया बेटा किसकी तरफ से हो आप? देखिए वो अंकल ऐसा है कि आप माशाल्लाह दाढ़ी वाले आदमी हैं। जी जी ये आपको पता होगा। ये बताएं कि रिस्क किसने लिखा है? ऊपर वाले ने लिखा रिस्क। तो बस मैं ऊपर वाले की तरफ से ही आया हूँ रिस्क। आप बताइए भाई कि यहाँ पर आप आए, बुजुर्ग आप आए, कोई मसला होता है मार्केट पे आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? और हमने जो है ना हाथी बोर्ड लगाई आओ हम खेल लेंगे, आप मेरी ले लेंगे। यही तो प्यार की कसौटी है। अभी तो मेरी बहुत छोटी है। देख तेरे लिए इस दिल में कितना प्यार भरा है। अरे नहीं आपका बहुत बड़ा है। ये तेरा हुस्न और निखार देगा। अगर ये घुस गया तो मेरी फाड़ देगा। अरे लेने देने की बात करता है, सिर्फ दो मिनट का खेल है। मेरे सामने तो जोनी सिंस भी फेल है। जितने पैसे तू कमाता है उतना महंगा तो मेरी बुलबुल का तेल है। बहुत ही अच्छी अदाकारा, बहुत ही अच्छी इंसान मामरा शिवाश्री।
काफ़ी फ़नी शॉट्स थे। और अब तो है ना, जाकिर नायक साहब हैं वो भी इधर पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके शो हो रहे हैं या उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन ये कि जो कल वाला क्लिप है ना, वो यार बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। जो लड़का है ना, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था, बहुत लंबी लाइन थी, और जब वो उसको मौका नहीं मिल रहा था घर की चलती, बोलता है मैं कौन हूँ, ईसाई हूँ, गैर मुसलमान होना चाहता, मुसलमान होना चाहता। लाइन से खींच कर आगे लेकर आए। मैं एक बार आके बोलता है मुसलमान। ओए ओए यार, ये जाकिर नायक साहब वो भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ एक फंस गया हूँ, क्योंकि पहले उसको सही नहीं बंदे मिल रहे थे, अब वो चढ़ गया इनके हथी, तो अब काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसे उनके साथ मूवमेंट बन रहे हैं। बाकी और भी काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स थे या उनकी और भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लेकिन जो वो फेसबुक पे ग्रुप का नाम चेंज किया था ना जन्नत मिर्ज़ा, तो एक मौलवी साहब का नाम रख दिया था, वो भी इसरार, वो काफ़ी अच्छा था एक शॉर्ट। लेकिन वाकई सही बात है यार, एक एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं, क्योंकि एक पाकिस्तान में मुझे लगता है फर्स्ट टाइम तो नहीं, पहले भी वो आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने ना स्पीच वगैरह इधर नहीं की थी, वो पहले भी आए थे पाकिस्तान में, लेकिन इस दफ़ा उनका जो टूर है ना वो थोड़ा सा एक ऑफिशियली था, मतलब कि एक सब लोग जुड़कर एक इनवाइट उन्होंने किया था कि आप इधर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का हर एक दूसरा बंदा है कि डॉक्टर जाकिर नायक को उसने एक सुना हुआ है, तो इनके अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि हम सवाल पूछें। लेकिन इधर आकर भाई वो बहुत तंग हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो जब उतरा उससे पीआई वालों ने एक थोड़ी सी बदतमीजी की है, पैसे हमें दो, तो वो भी कल बता रहा था, लेकिन कल इस बंदे ने भी एक एंड कर दिया उसके, और एक व्लॉगर एक सामने, क्योंकि एक वो डक्की है, वो एक जो भी एक मतलब के पहले एक इधर अर्तुगरुल चला था, वो उसको वो बोलता है कि मेरे एक तीन ही मतलब के ब्रांड है जिनका मैं फ़ैन हूँ, एक अर्तुगरुल है, एक शाहरुख खान है, मतलब के वो एक लाइन में रखता है। अभी उसने ये ट्रेंड बना के मैं मेरे पास ना तीन ही मतलब के एक एक ड्रीम है जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ बंदे, जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब भी हैं, तो वो हर बंदे को उठा लेता है। लेकिन बहुत उल्टे उल्टे यार इससे सवाल एक पूछ रहे हैं वो। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ना इधर आके इंडिया की तारीफ की है, उसकी तारीफ किस तरह की है कि भाई
वो जब आने लगा था ना, दोनों ने जब रब्ता किया है स्ट्रेट गेस्ट के भाई हम सामान लेके आ रहे हैं, इतना हमारे पास सामान होगा कोई 10 के 20 किलो या कोई एक स्पेसिफिक, तो आगे पी आई एक अफसर था उसने कहा भाई इतना सामान आप नहीं ले जा सकते इधर, तो उसने कहा यार आप मेरा पासपोर्ट देखें इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है एक स्टेट गेस्ट की, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन वो सीधा हो गया उसने कहा भाई नहीं मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो तब जाके उसको एहसास हुआ, उसने फिर एक तारीफ की इधर के भाई इंडिया में कम अज़ कम मुझे हर तरह से एक प्रोटोकॉल मिलता था या मतलब मिलता है या अब तो खैर वो नहीं जाते, तो उस हवाले से एक जो है ना उसने तारीफ की। दूसरी तरफ भाई उसने जो पता नहीं जिंदगी में कौन से पूरा बेचारा काम कर बैठा है उसको एक सजा मिली है जो वो पाकिस्तान आ गया क्योंकि एक लड़की उससे पूछ रही थी कि भाई उसने सवाल बहुत अच्छा किया था, उसने कहा आप मतलब इधर बड़े मदरसे हैं जहाँ पे वो रहती थी इधर केपीके वाली साइड के ऊपर, उसने कहा इधर बड़े मदरसे हैं सब कुछ है, सारे मौलवी वगैरह भी हैं, लेकिन उसने जो आगे सवाल किया था ना वो काफी एक गलत सा है कि ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते वो तो ये अगर इतने ये इस्लामी है ये है तो ये क्या है एकदम से वो चुप कर गया, वो कहता भाई अब इसका क्या जवाब, तुम भी तो छोड़ते नहीं है किसी को है, तो बहरहाल ये कि एक उसकी इज्जत का जो एक फलूदा बोलते हैं ना वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि जिस दिन पहले दिन आया था ना तो हमारे इधर ऑफिस में बहुत इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, उस वक्त मैंने कहा था कि आया तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान ही है, लेकिन दुआ करो जब ये वापस जाए ना ये मुसलमान वापस जाए, यकीन करो ऐसे ऐसे उसके क्लिप निकाल के ऐसे ऐसे नीचे पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं ना उसके बारे में, मेन ये कि वो भी देखता, कल बता रहा था कि मैं सोशल मीडिया देखता हूँ रात को जब मैं लेटता तो अभी उसने भाई एक लाहौर में खिताब करना उसके बाद उसने पिंडी में करना, मीन के एक 20-25 तारीख तक वो इधर है, तो लगता नहीं कि वो एक पता नहीं कैसे वापस क्योंकि लाहौर ना है उसके पीछे लग चुके हैं, लेकिन आगे भाई जो वीडियोज आई है ना एक वो ट्रक वाली जो ट्रक लगा वो ड्राइवर सही ऐसे बैठ के सूटे, या एक वो एक खूबसूरत सी सुबह वाला, या एक उसने जो कॉल की थी उसने कहा यार एक इस टाइम आप मुझे जो है ना वो मेरा मूड नहीं सी, मुझे दुखी मूड नहीं सी दुखी गाना तो उसने भाई एक दुखी बांध के सुनाया, वो सारे ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना इनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि ड्राइव का एक मतलब कि ज्यादातर मैंने देखा है कि जब भी ऐसा हादसा या वाकया होने लगता है ना ये छलांग लगा देते हैं, बहुत बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हमारे चाहत फतेह अली खान यार अभी फिर थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, उल्टे उल्टे गाने गा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग इनको ना यार कमेंट्स में बोलते हैं कि आप रहने दो और अजीब अजीब से एक कमेंट्स करते हैं उस पर, लेकिन उसका अभी एक लंदन का टूर है वही बात याद आ रही कि एंट्री फ्री है और बाहर निकलने के 20,000 रुपए बाहर निकलने के 20,000 रुपए लेंगे एक जो भी वो करवा रहा है मुझे, ऊपर वो लड़के वाले का एक सही आया क्योंकि ज्यादातर जो मौलवी हजरात है ना इधर यही एक ज्ञान देते हैं कि एक एक रिजक और रोजी रोटी एक ऊपर वाले के हाथ में, उसने सही बोला कि हमने दाढ़ी रखी हुई है मैं ऊपर वाले की तरफ से आया हूँ, आप ही बोलते हैं कि ऊपर वाला देता है वो जो चाइनीज लड़की बनी थी वो, या वो एक बाबे से इंटरव्यू था जो असल में हमारे इधर ना ये मौलवियों का बहुत एक हैवी सिस्टम हो गया अब थोड़ा सा ना, तो इनको तोड़ने के लिए जाकर नायक को बुलाया था लेकिन बहरहाल वो कामयाब नहीं है, वो जो गाना गा रहा था कि आप मतलब आप लड़कियों को ना पढ़ाएं या लड़कियों के ऊपर तनकीद कर, उसकी एक और भी नात आपने सुनी है जिसमें बोलता है इंग्लिश विच जेड़ा ध्यान कर सी, सुनी हुई है मतलब इंग्लिश नहीं सीखनी, हां इंग्लिश जेड़ा मतलब के फोकस कर सी ना उसका मतलब के एक दिन ईमान जाया हो जाती है, इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।